हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज इफ एन माइनस वन सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री टू द पावर एन सी आर प्लस वन, देन के बिलोंग्स टू ऑप्शन ए माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस टू, ऑप्शन बी टू कॉमा इन्फिनिटी, ऑप्शन सी माइनस अंडर रूट थ्री कॉमा अंडर रूट थ्री, ऑप्शन डी अंडर रूट थ्री कॉमा टू. सो द की कॉन्सेप्ट इज वी नो दैट जो एनसीआर होता है, ठीक है, एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ठीक है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो देखो, वन मोर थिंग, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास है ए सी बी, ठीक है, तो यहाँ पे जो बी होता है हमारा, सो बी की जो रेंज होती है वो होती है जीरो से लेके ए तक, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एन माइनस वन सी आर. सो एन माइनस वन सी आर है, तो अगर हम बात करते हैं आर की, तो आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन. और कह सकते हैं जो हमारा आर प्लस वन होगा वो लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन प्लस वन होगा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस वन होगा. दैट मीन्स हमारा आर प्लस वन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एन बट ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. सो फर्दर कह सकते हैं कि आर प्लस वन बाय एन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाय एन, बट लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन. एंड जो हमारा वन बाय एन होगा, वन बाय एन हमारा क्या होगा, जीरो से बड़ा तो होगा ही, ठीक है. हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर प्लस वन बाय एन होगा वो लेस देन और इक्वल टू वन होगा, बट ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है. देखो, हमारे पास क्या है, एन माइनस वन सी आर एंड इट इज इक्वल टू के के स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन, ठीक है. हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर, एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल. फाइन, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस थ्री. फाइन, ये जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल एंड ये जाएगा एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल. फाइन, सो देखो फर्दर क्या लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल एंड दिस विल बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एंड हियर वी विल हैव एन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल. अब देखो, यहां से ये हमारा कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है. सो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एन अपॉन आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर माइनस थ्री एंड दिस विल बी इक्वल टू वन, ठीक है. यहां से के स्क्वायर माइनस थ्री विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर प्लस वन बाय एन. सो हमें पता है कि जो हमारा आर प्लस वन बाय एन है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या है, वन है. सो दैट मीन्स जो हमारा के स्क्वायर माइनस थ्री है, के स्क्वायर माइनस थ्री है वो लेस देन और इक्वल टू वन है बट ग्रेटर देन क्या है, जीरो. और फर्दर वी कैन से जो हमारा के स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू फोर है बट ग्रेटर देन कितना है, थ्री है. यहाँ से हमारा के क्या हो जाता है, के लेस देन और इक्वल टू टू हो जाता है बट ग्रेटर देन और बट ग्रेटर देन क्या हो जाता है, बट ग्रेटर देन हो जाता है हमारा अंडर रूट थ्री. ऑल्सो के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू बट लेस देन और इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है. सो हेंस वी कैन राइट दैट के बिलोंग्स टू अंडर रूट थ्री टू टू एंड ऑल्सो
बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस अंडर रूट थ्री. सो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक.